हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू ईयर मैथ्स क्लासेस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड, ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी जिससे आपको बाकी सभी क्वेश्चंस का बेसिक क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन इजिली ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई। हमें डाई के दो टॉस करने हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ सक्सेसेस, हमें जब सक्सेस मिलेगी। अब सक्सेस कब मिल रही है देखते हैं। वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन 4। अगर आपने डाइस थ्रो किया और उसमें 4 से बड़ा नंबर आ गया, 4 से बड़ा नंबर कौन होगा, 5 या 6, है ना। 4 से ग्रेटर नंबर अगर मिल गया तो हमें सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज फेलियर। समझ गए। अब एक डाइस को आपने दो बार टॉस करना है, रैंडम वेरिएबल यहां पे क्या रहेगा ये चीज आपको समझनी है। अगर आप एक डाइस को दो बार थ्रो कर रहे हो, एक बार हो सकता है कि आपको एक भी ऐसा नंबर ना मिले जो 4 से ग्रेटर आए, यानी 5 और 6 में से कोई नंबर आपको मिले, है ना। या फिर आपको दो थ्रोज में से एक थ्रो में आपको मिल जाए 4 से ग्रेटर नंबर, मतलब आपको एक सक्सेस मिल गया। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टॉसेस में आपको 4 से ग्रेटर नंबर मिल जाए। तो ये तरीका होता है प्रोबेबिलिटी जो वेरिएबल होता है वो समझने का। ठीक है, तो अब धीरे धीरे समझते हैं सारी चीजें। सबसे पहले आप यहां पर लेकर चलेंगे x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस, ध्यान से देखिएगा, डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस कि सक्सेस कितनी बार हमें मिला। ओके, एक्स हमने लिया नंबर ऑफ सक्सेस और सक्सेस क्या है उसको मैं एस से डिनोट कर देती हूं। वेयर सक्सेस एस, किसे डिनोट करेंगे, एस से, और फेलियर, अब सक्सेस मुझे कब मिल रहा है जब ग्रेटर देन 4 नंबर आएगा। ओके, सक्सेस इज डिफाइंड एज, हमें बोला गया है ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, इक्वल भी नहीं बोला गया है, है ना, ग्रेटर देन 4। एंड अगर सक्सेस नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा, फेलियर, तो वो केस भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। एंड फेलियर उसको मैं एफ से डिनोट कर लेती हूँ। फेलियर कैसे मिल रहा है हमें, भी जब 4 से बड़ा नंबर मुझे मिलेगा, एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। हमने कहा सक्सेस जब मिलेगी या तो 5 आए या 6 आए, अगर दोनों में से कोई भी नहीं आया तो फेल होएंगे ना, तो फेल के लिए मुझे बताना पड़ेगा यहाँ से, एफ से डिनोट करते हैं। अब फेलियर कब डिफाइन कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, अगर मुझे नंबर मिले लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू, इसमें 4 इंक्लूड है, फेलियर जब मिलेगा तो 1 2 3 4 में से कोई भी नंबर मुझे मिलेगा थ्रो करने के बाद तो मुझे फेलियर मिलेगी, और 5 4 6 में से मिलेगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी। ठीक है, एक्स जो मेरे पास है ये है नंबर ऑफ सक्सेस। अब यहाँ पे एक्स के क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, क्योंकि आपने डाइस को दो बार थ्रो किया है, दो बार टॉस करना है ना डाइस को, तो यहाँ पर हो सकता है कि मुझे एक बार भी सक्सेस नहीं मिले, एक बार भी सक्सेस नहीं मिले मतलब x की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, दोनों थ्रो में से मुझे एक बार सक्सेस मिल जाए या दोनों थ्रो में से मुझे दोनों टाइम सक्सेस मिल जाए। समझ गए, सक्सेस और फेलियर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा कि आपके जो रैंडम वेरिएबल से इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे और रैंडम वेरिएबल हम कैसे लेकर चलेंगे। अंडरस्टैंड, अगर यहाँ पे 3 बार टॉस करते हैं हम किसी डाइस को तो मेरे पास एक और आ जाता 3 नंबर, कि एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, या एक बार भी सक्सेस ना मिले, या एक बार सक्सेस मिले, या दो बार मिले, या 3 बार मिले, तीनों टाइम मिले, है ना। चलिए देखते हैं अभी जो क्वेश्चन हमारा, इस पर फोकस करते हैं। तो यहां से आप निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से देखिएगा, एस कब मिल रही है आपको सक्सेस, जब आपको 5 और 6 नंबर मिलेगा, है ना, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5
और 6, ठीक है। अब आपको दो नंबर मिल रहे हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 5 और 6 की, ठीक है। सो फेवरेबल केसेस हो गए 2, 5 एंड 6 डिवाइड बाय इट्स टोटल नंबर ऑफ केसेस, ओके, दिस इज इक्वल टू 1/3। अब मैं निकालती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब या तो 1 मुझे मिले या 2 या 3 सॉरी या 4। यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल ऑफ केसेस है 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 2/3, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ओके। चलिए बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्म करें। यहां हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। जब मैंने यहां पे 0 लिखा, 1, 2, यहां पे आप वैल्यूज लिखेंगे जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी। अब मुझे यहां से पी ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। देख मैं यहां पे बताती हूँ, पी ऑफ 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हम निकाल रहे थे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मुझे बताना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मुझे मतलब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से कि मुझे एक भी सक्सेस नहीं मिली। जब एक्स इक्वल टू 0 है मतलब मुझे एक भी सक्सेस नहीं मिल रही है, नो सक्सेस, ठीक है। अगर एक भी सक्सेस अगर मेरे पास नहीं है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों ही टॉसेस में क्या मिला मुझे? फेलियर मिला। दो टॉस थे ना, दोनों ही टॉसेस में फेलियर मिल रहा है। दैट मीन्स पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ एफ लिख सकते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। पी ऑफ एफ अभी हमने फाइंड आउट किया 2/3, 2/3 इंटू 2/3, दिस इज 4/9, तो ये आ जाएगा 4/9, समझ गए। जब मैं फाइंड आउट करती हूँ एक्स इक्वल टू 1 पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मीन्स मुझे एक सक्सेस मिल रही है, ओके। एक्स इक्वल टू 1 पर 1 सक्सेस मुझे मिल रही है, ठीक है। अब 1 सक्सेस अगर आपको मिलेगी तो ये फिक्स तो नहीं है कि आपने पहली बार जो टॉस किया उस पर आपको सक्सेस मिली है या दूसरी बार टॉस किया उस पर मिली है, तो दोनों केसेस हमें मिले। प्रोबेबिलिटी में यही समझना जरूरी है कि आप केसेस कैसे कैसे लेकर, सारे केसेस आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि हमें एक सक्सेस मिली है, इसका मतलब सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले टॉस में मुझे सक्सेस मिल जाए, सेकंड में फेलियर है ना, या फिर पहले केस में मुझे फेलियर मिल जाए सेकंड में सक्सेस मिल जाए, समझ आया। इसको आप कैसे लिखोगे? और का मतलब होता है प्लस, है ना, पी ऑफ एस एफ प्लस पी ऑफ एफ एस एफ और एफ एस, इसको आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? 1/3, 1/3 इंटू फेल्योर 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3, राइट, 2/9 प्लस 2/9, दिस इज 4/9, क्लियर दैट। तो ये भी मेरे पास क्या आ गया? 4/9। जब मुझे x इक्वल टू 2 पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, इसका मतलब x किसको डिनोट कर रहा था? नंबर ऑफ सक्सेस को, है ना, इसका मतलब मुझे दोनों टॉसेस में सक्सेस मिली है, बोथ सक्सेस। अगर दोनों सक्सेस मिली है दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ SS, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S, P
पी ऑफ एस क्या था, 2/3, तो फेलियर था, दिस इज 1/3 इंटू 1/3, 1/9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/9, दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो ये ऐसे आपको फाइंड आउट करने हैं, क्लियर दैट। अगर हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये समझ आ गया कि क्या आप रैंडम वेरिएबल लेकर चलोगे, और रैंडम वेरिएबल समझने के बाद भी काफ़ी कुछ रह जाता है ना, जैसे अभी हमने क्या किया भाई, सक्सेस किसको डिनोट कर रहा है, तो सक्सेस मुझे कम मिलेगी, मुझे 2 डाइस थ्रो करने हैं तो सक्सेस मुझे कम मिल रही है जब मुझे 4 से ग्रेटर नंबर मिल रहा है, और 4 से ग्रेटर नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए हमने 2/6 किया और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल जाती है, ओके। तो ये तो आपको हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, जिसको भी आप जो वेरिएबल लेकर चलते हो, रैंडम वेरिएबल लेकर चलते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी और उसके अगेंस्ट, जैसे सक्सेस के अगेंस्ट क्या होगा, फेलियर, है ना, तो मुझे फेलियर मिल जाएगा तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। फिर x इक्वल टू 0 का मतलब होता है नो सक्सेस, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको ऐसे फाइंड आउट करनी है। x इक्वल टू 1 का मतलब मुझे 1 सक्सेस मिल रही है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सोचना है कि हमें 1 सक्सेस फर्स्ट टॉस में मिल रही है या सेकेंड टॉस में मिल रही है ना, तो दोनों केसेस हम डिस्कस करेंगे हम, ओके। थर्ड, दोनों सक्सेस मिल रही है, वेरी इजी, क्लियर दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए बैग कंटेन्स 3 white, 4 red balls, 3 balls आर ड्रॉन 1/1 विद रिप्लेसमेंट। अभी ये क्वेश्चंस मैं कह रही थी ना अभी आपको कि इनके अलग अलग टाइप्स आपको मिलेगी, जैसे अभी विद रिप्लेसमेंट है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आता है तो कैसे करना है ना, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके बुक में। तो सभी कंप्लीट क्वेश्चन करने के लिए आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन पर, और वहाँ पर सभी क्वेश्चंस का आप सोल्यूशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं ना। चलिए जी, 3 balls आपको फाइंड आउट करनी, ड्रा करनी है बैग से विद रिप्लेसमेंट, मतलब आपने एक बार बैग में कितने बॉल है, 3 white 4 red, टोटल 7 balls है, आपने एक बार हाथ डाला बॉल निकाला, अब यहाँ पर 3 बार आपको बॉल्स ऐसे निकालनी है, आपने फर्स्ट बॉल बाहर निकाला, रेड भी हो सकती है वाइट भी हो सकती है ना, मतलब यहाँ पर जब मैं रैंडम वेरिएबल लेकर चलूँगी तो ये चीज़ आपको समझनी है कि उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। हमने फर्स्ट बॉल निकाली, वो वाइट या रेड जो भी होगा वापस आपको रिप्लेस कर देनी है, बैग में वापस डाल देनी है, देन फिर से बॉल निकालनी है, फिर से रेड या वाइट आ सकती है, दोनों में से कोई भी आ सकती है ना, फिर आपको वापस फिर से बॉल रख देनी है, 3 times फिर से निकालनी है, तो यहाँ पर भी दोनों की सेम पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, रैंडम वेरिएबल एक भी रेड बॉल ना मिले, या एक रेड बॉल मिले, या 2 red balls मिले, या तीनों ही रेड बॉल मिले, तीनों का मतलब हर एक ड्राम की हम बात कर रहे हैं, हर एक ड्रा की भाई, या तो तीनों ड्रा में से एक बार भी रेड बॉल नहीं निकलेगी, या तीनों ड्रा में से एक रेड बॉल आपको एक ड्रा में मिल जाए, 2 में ना मिले, है ना, यानी कि एक बार आपको रेड बॉल मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार रेड बॉल मिले और 1 बार ना मिले, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ड्रा में आपको रेड बॉल मिल जाए, क्लियर दैट। तो ये रैंडम वेरिएबल हो गया। इसके बाद देखते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड बॉल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है रेड बॉल्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी जो रैंडम वेरिएबल आप लेकर चले हो, यानी किसका निकाल रहे हो, रेड बॉल्स का, तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, एक्स हमने लिया जो डिनोट करता है नंबर ऑफ रेड बॉल्स को, ओके। तो यहीं पे बता दें हम एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 3 ड्रा है, 3 में से एक बार भी रेड नहीं आएगी तो 0, 3 ड्रा में से एक बार रेड बॉल मिल गया तो 1, 2 बार रेड बॉल मिल गया तो 2 हो गया, 3 बार मिल गया तो 3, तो एक्स की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 हो सकती है ना, दिस आर द रैंडम वेरिएबल, ओके। इसके बाद आपको देखना है कि अगर आपको रेड बॉल मिलती है तो आपको सक्सेस मिलती है, और आपने अगर ड्रॉ किया और आपको रेड बॉल नहीं मिली तो फेल हो गए, समझ रहे हो। तो यहाँ से हम लेकर चलते हैं, 3 balls हमें निकालने हैं लेकिन विद रिप्लेसमेंट, वापस आपको डालते जाना है, जब सेकंड ड्रॉ करेंगे तो पहले जो बॉल निकाली है उसको वापस रिप्लेस करोगे, ओके। सो
विद रिप्लेसमेंट है देन एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो जाएगी. लेट एस डिनोट द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल. जब रेड बॉल मुझे मिलती है तो सक्सेस होती है ना, सक्सेस मिलती है हमें. ऑल राइट. एंड एफ डिनोट इवेंट ऑफ ड्रॉइंग. फेलियर कब मिलेगी आपको? जब आपको व्हाइट बॉल मिल जाएगी. ड्रॉइंग व्हाइट बॉल. क्लियर दैट? अब यहां से प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं. ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रॉइंग नॉट रेड बॉल. नॉट रेड बॉल ऐसे भी लिख सकते हो. यहां पर सिर्फ दो ही कलर है इसलिए हमने व्हाइट बॉल लिखा तो भी चलेगा. अगर यहां पे तीन कलर होते और हमें रेड का निकालना होता प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, फिर आपको लिखना पड़ता नॉट रेड बॉल. ओके, चलिए जी प्रोबेबिलिटी निकालिए. पी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ड्रॉइंग रेड बॉल. रेड बॉल निकालने की एक बार आपने ड्रॉ किया तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 4/7, क्योंकि फेवरेबल केसेस है 4. चार रेड बॉल है आपके पास, चार में से कोई भी एक आ सकती है ना. 4/ टोटल नंबर ऑफ केसेस 7. एंड पी ओ एफ क्या आएगी? पी ओ एफ मतलब वाइट बॉल की निकालनी है. तीन बॉल में से कोई भी आ सकती है, फेवरेबल केस 3 हो गए, टोटल 7, 3/7. अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0. मतलब जब मुझे एक भी रेड बॉल नहीं मिलेगी, एक भी रेड बॉल नहीं मिलेगी दैट मीन्स तीनों ही ड्राज में मुझे फेल्योर मिल रही है. ओके, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट सो मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक की. लिख सकते हैं ऐसे, राइट? पी ऑफ एफ 4/7 मल्टीप्लाई 3/7 27/343. क्लियर दैट? नेक्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1. दैट मीन्स मुझे 1 सक्सेस मिलती है. 1 सक्सेस मतलब मुझे एक ड्रा में रेड बॉल मिलती है. अब वो पहले ड्रा में मिलेगी या सेकेंड ड्रा में मिलेगी या थर्ड ड्रा में मिलेगी ये हमें देख रहा है. तीनों केस लिखोगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने लिया कि मुझे पहले ड्रा में सक्सेस मिल गई, रेड बॉल मिल गई तो बाकी दो ड्रा में नहीं मिलेगी, या फिर पहले ड्रा में नहीं मिली दूसरे में मिल जाती है, तीसरे में नहीं मिली, या फिर फेल्योर फेल्योर सक्सेस. समझ गए? और का मतलब एडिशन. इन यहाँ पर हम एडिशन प्लस अप्लाई कर देंगे और इंडिपेंडेंट इवेंट हैं सो इनको मल्टीप्लाई. पी ऑफ एस पी ऑफ एफ पी ऑफ एफ प्लस पी ऑफ एफ पी ऑफ एस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस एफ एफ एस. ठीक है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो. पी ऑफ एस कितना है? सक्सेस 4/7. पी ऑफ एफ 3/7. यहाँ से एफ की वैल्यू पी ओ एफ 3/7 4/7 सॉल्व करो और यहाँ से आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1. ठीक है, दिस इज 108 डिवाइड बाय 343 बिकॉज यहाँ तो सब एडिशन करना है हमें, है ना. अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2. इसका क्या मतलब है? जब आपको दो बार सक्सेस मिल रही है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एस एफ, यहाँ पर भी आपको हर एक केस डिस्कस करना पड़ेगा कि पहले और दूसरे ड्राज में आपको सक्सेस मिली, थर्ड में आपको फेलियर मिला, फिर पहले में सक्सेस मिल जाती है, रेड बॉल मिल जाती है, दूसरे में नहीं मिलती, तीसरे में मिल जाती है, अगेन फर्स्ट फेलियर, सेकेंड सक्सेस, थर्ड सक्सेस. सेम तरीके से आपको और के प्लेस पर ऐड करना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने ये वाला किया.
क्लियर दैट पॉइंट. यहाँ पर आ जाएगा 1 4 4 by 3 4 3, कर सकते हैं ना. नेक्स्ट इज लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, मतलब आपको तीनों ड्रॉज में सक्सेस मिल रही है, तीनों ड्रॉज में वाइट बॉल मिल रही है. ओके, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, 4 by 7 4 by 7 4 by 7, 64 by 3 4 3. यहां तक आपका काम हो गया. अब बना दीजिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स, दिस इज आपको बस ये टेबल बना के लिख देना है. समझ गए, x p ऑफ x 0 1 2 3, क्लियर. जीरो पर प्रोबेबिलिटी क्या मिली आपको, 1 p of x = 0, 27 by 3 4 3. 1 पर 108 by 3 4 3. 2 पर 144 by 3 4 3, और 3 पर 64 by 3 4. दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स. आई होप आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है और आप क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. अच्छे से तैयार कीजिए, इसके बाद नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल. अब जितने भी टॉपिक्स आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, है ना. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन का एक पार्ट बन सकता है यहाँ से. ओके, इसके बाद जो मीन वेरिएंस होता है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर में. Bye.